नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। डीएवीवी के आरएनटी मार्ग स्थित परिसर में बीएड के विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और कुलपति सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान भी धरना प्रदर्शन करने वालों के बीच बैठे और विश्वविद्यालय प्रबंधन को घेरने की कोशिश की। जावेद खान ने बताया कि उनके द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के नाम ज्ञापन देने की बात कही गई है, जिसमें बीएड के थर्ड अटैम्प्ट वाले सैकड़ों छात्रों को फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की मांग की गई है। उनका कहना है कि फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड अटैम्प्ट होने की वजह से इन विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। पूर्व में भी इस प्रकार के कारण में वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से इन विद्यार्थियों को एक मौका और प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि चूंकि वर्ष 2023-24 में अधिकतर विद्यार्थी वर्ग एक और वर्ग दो में चयनित हो चुके हैं और इस परिदृश्य को देखते हुए उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आज बीएड के सैकड़ों विद्यार्थी यहां पर धरने पर बैठे हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि फोर्थ सेम में बीएड के अधिकतर विद्यार्थियों को परीक्षा देने से वंचित करने का कार्य किया गया है और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि आपने थर्ड अटेम्प्ट पूरे कर लिए हैं एवं आपने 3 साल पूर्ण कर लिए हैं, इसलिए आपको हम परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। लेकिन इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विद्यार्थी वर्ग एक और दो में चयनित हो चुके हैं। ये विद्यार्थी बहुत समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन्हें आश्वस्त किया गया था कि आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। आज जाकर इनके साथ धोखा किया गया है और इन्हें परीक्षा से वंचित किया गया है। इसके लिए आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग है कि इन विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने का एक मौका दिया जाए। ये जो कारण बता रहे हैं, इन कारण इस प्रकार की परिस्थिति वर्ष 2019-20 में भी बनी थी जब कोविड की महामारी थी, लेकिन कोविड की महामारी के विषय को चलते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया ने एक निर्णय लिया था और निर्णय लेकर इन विद्यार्थियों को न्याय दिया था। लेकिन आज जब इन विद्यार्थियों की सरकारी नौकरी का विषय है, ये विद्यार्थी आज परेशान हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई निर्णय लेने की बात विश्वविद्यालय की ओर से नहीं कही जा रही है। इसलिए आज हम मांग करने आए हैं, ज्ञापन स्वरूप हम लोग ये मांग कर रहे हैं और वर्ष 2019-20 का लेटर भी हम लगाकर ये बात कर रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी का विषय रखते हुए कुलपति होने के नाते, एक संवैधानिक पद पर होने के नाते इन विद्यार्थियों को न्याय देने का काम करें। जैसे कितने विद्यार्थी हैं? 600 के ऊपर इनकी संख्या है और आने वाले समय में वेरीफाई करके हम आपको बताएंगे, लेकिन 600 हमने अभी वेरीफाई किए जो विद्यार्थी ऐसे हैं। धन्यवाद, जो कि हमारी मांग और हमारी समस्या आगे पहुंचाने के लिए आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ इतने स्टूडेंट हैं, इनकी काफ़ी समस्या, ये समस्या है कि थर्ड अटैम्प्ट की एग्जाम के लिए बीएड के छात्र हैं, थर्ड अटैम्प्ट की एग्जाम हो चुकी इनके और फोर्थ के लिए मांग कर रहे हैं। अब इनकी ये समस्या कि हमारे मतलब सभी छात्रों के मन में ये संकोच है कि स्टूडेंट एक बार एग्जाम देगा, दो बार एग्जाम देगा, तीन बार एग्जाम देगा। अब इतना कमजोर भी स्टूडेंट नहीं है कि जो तीन तीन बार एग्जाम देने के बावजूद भी ये फेल हो जाए, और इनके सभी हर डिग्री में इनके हाईएस्ट परसेंटेज वाले स्टूडेंट और एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके, फर्स्ट से संविदा शिक्षक वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन के एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके स्टूडेंट। और हमको तो और स्टूडेंट को सभी को साक्ष्य दिए देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चेकिंग प्रक्रिया में बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि स्टूडेंट अब इनको भी इतना तो एक दया भावना रखना चाहिए कि स्टूडेंट दो दो तीन तीन बार फेल होने के बावजूद भी इनको फेल किया जा रहा है। अब इनका भविष्य अंधकार में स्टूडेंट का, अब ये स्टूडेंट आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका सत्र तो खराब हुए हुए हैं, बट अब इनको अभी एग्जाम में भी अवसर नहीं देना दे पा रहे। तो हमारी एक यही मांग है और इससे मतलब 600 समथिंग स्टूडेंट वंचित रह रहे हैं, तो हमारी सभी की यही मांग है कि एग्जाम हमारे ली जाए और सभी एग्जाम स्टूडेंट इस एग्जाम से क्वालिफाई हो पाए और आगे इनका जो संविदा शिक्षक का जिनको इनको नौकरी का अवसर मिल रहा वो मिल पाए। हमारे सभी के लोग जो कहां-कहां से आए हैं, सर ये सेंधवा से भी है, झाबुआ से भी, अलीराजपुर के हैं, धार से, मनावर से, बहुत दूर दूर के, और इन स्टूडेंट का ये तो आज ही हम यहाँ आंदोलन के लिए बैठे हैं, अब आज ही नहीं आ रहे हैं, रोज एक एक दो दो चार चार स्टूडेंट आकर ना डीएवी का रावण काट रहे, बाकी इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा अभी तक। बस यहाँ पर जो पीयून है बस वही अधिकारी बन के बैठे हैं, वो बच्चों को इधर उधर सत्र बात में घुमा फिरा के नौकर देते, यहाँ सर नहीं है, मैडम नहीं है, यूँ करके दे बच्चे किराया खर्चा लगा के दे फिर वापस चले जाते बेचारा, बस निराश होकर वापस जाना पड़ा, इनको कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा। सर हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को 3 बार इन लोगों ने एटीकेटी दे दी है डीएवी में, इसके चलते हम लोगों को अभी जो फॉर्म निकले हुए एग्जाम फॉर्म वो जो बनने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि आप इस एग्जाम से बाहर हो। तो अब हम इसमें हमें उन लोगों ने बार बार एक ही सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा है। मैंने एमएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी से, जिसमें मैं है ना सभी विषयों में अच्छे नंबर से पास हुई हूँ, बट इस बीएड में मुझे है ना बार बार एक ही विषय में फेल किया जा रहा है।
जिसमें हम लोग 600 स्टूडेंट हैं, 600 स्टूडेंट में सबको एक ही विषय में एटीकेटी दी जाती है। कौन से विषय में आपको एटीकेटी? एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? सर पता नहीं, अब राजनीति लग रही है इसमें? हाँ सर, मुझे तो यही लग रहा है। एक्चुअली ये लोग है ना कॉपी ठीक से बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की जो कॉपी में तो बिल्कुल 0 नंबर है, 1 नंबर है, और कुछ स्टूडेंट्स को तो इन लोगों ने ना जिसके 20 नंबर है उसको डायरेक्ट पास किया हुआ है 30, 35, 40 नंबर बढ़ा के। अब आप क्या करेंगे आगे? सर आगे हम तो यही चाह रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम दी जाए, हमें एग्ज़ाम देने दी जाए और हमें आगे उस पर पास किया जाए। यदि नहीं मानी जाती है तो मानिए तो हम सर हम और धरना देंगे अपना। अंजलि टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।